3, 2, 1. Hello viewers, it's very seldom that you see a beautiful structure right in the middle of the mountains where the view is breathtaking. And the structure itself, though no holes were made in the ground, but I'll let Shahid tell the story of what inspired him to build this structure in Bhurban. Just take a look, there are about 20 seats and it's elevated 100 feet up in the air. So, Assalamu alaikum Shahid, how are you? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. आप खैरियत से? जी जी बिल्कुल. तो ये इसके बारे में कुछ बताइए. ये तो इतना अनयूजुअल है कि जब मैं पहली दफा भी आई थी तो मैंने देखा, मैंने कहा ये है क्या. आई रियली नीडेड टू नो व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट. व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या आपने सोचा? बहुत छोटी सी बात है. इसमें यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने किया आज से 22 साल पहले, घर वगैरह बनाए, तो अंदाजा हुआ कि लाहौर की नस्बत पहाड़ी इलाकों में घर बनाना बहुत मुश्किल है. सही, पहाड़ स्लाइड करते हैं, जमीन बैठती है, अच्छी भली बनी कंस्ट्रक्शन खराब होती है. मैंने देखा कि दरख्त जो है, ट्रीज, ये खुदा की बनाई हुई चीज है. सही, और ये बहुत मजबूत और बहुत गहरी जड़ों के साथ हमेशा महफूज रहते हैं. सो ट्रीज की फाउंडेशंस आर वेरी वेरी डीप रूटेड. हाँ जी, तो मैंने ये सोचा कि जमीन पे रखने की बजाय इनको दरख्तों पे रखा जाए, डेक जो दरख्तों के ऊपर बनाया जाए, लेकिन वो दरख्तों के ऊपर रेस्ट करो, नॉट ऑन द ग्राउंड. नाइस. तो बस इस आइडिया को लेके मैं आगे चला और दरख्तों को कि क्या स्ट्रेंथ है, मुझे क्या लोड डालना है इसमें. और ये जाहिर है एक इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस था लंबा, जिसमें से मैं गुजरा. सही, और अल्लाह का शुक्र है कि दरख्तों को, अब इसको 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए इसको बने. इस पे कितने लोग आ सकते हैं एट वन टाइम? इसको जो कैलकुलेट किया हमने 30 पीपल पे किया, 35 पीपल से ज्यादा लोग ना आए. लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इस स्ट्रेंथ का इसको बना दूंगा और अगर बहुत सारे लोग, मैंने लिखा भी है, लगा भी हुआ है मैक्सिमम फॉर 30 और 35 पीपल. राइट. लेकिन अगर कोई लोग आ गए, बहुत सारे आ गए, तो इसपे कितने लोग आ सकते हैं? तो अंदाजा हुआ कि इस पे 80 लोग इस पे आ सकते हैं. वाकई? ओ अमेजिंग. करीब खड़े 80 लोग आ जाएंगे इस पे. सपोर्ट कर लेगा उसको. तो अब उसको उसके सपोर्ट करने के लिए बनाना है. अच्छा, तो 80 पीपल के लिए बना है. और 80 पीपल के लिए जब हम बनाएंगे तो इंजीनियरिंग का जो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कि कितना सेफ रखना है, तो इसको 250% सेफ रखा गया, यानी 2.5 गुना. ओ 2.5 टाइम्स. जी जी जी. तो इसको आप, इस पर के 100 लोग आ जाएंगे तो इट विल बी स्टैंडिंग. और ये जो कुर्सी है यहाँ जिसके ऊपर आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन दिस चेयर, और ये पूरी एलिवेटेड है विदाउट एनी वैसे सपोर्ट, तो ये आपने क्यों सेपरेट ये बनाई? असल में मैं जब इसको बनाना चाहता था तो कुछ थोड़ी थ्रिल रखना चाहता था, तो मेरा ख्याल था कि मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया कि ये स्वे करे. अगर मैं ऐसे हिलूँ ना तो ये 4-4 इंच, फुट, दो फुट हिले. राइट. तो एक खौफ पैदा हो, लोग ठहरो ठहरो क्या कर रहे हो. तो इस पर डिजाइन शुरू कर दिया तो बहुत से अजीजों ने कहा ये ना करें आप, हमने इस पर आना नहीं है. बहरहाल मैंने इसको बहुत भारी दिल के साथ इसको सॉलिड बना दिया. राइट. जब बन गया मुझे ख्याल है थ्रिल तो है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चल इसमें थ्रिल पैदा करते हैं. तो एक चेयर इनमें से मैंने काट दी और उसको काट के मुझे इसको बंद करना है, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग है. राइट. अब ये कुर्सी मैं लॉक नहीं कर सकते हैं. राइट. इसको मैं बंद करूंगा, इसको मैं खोल लूंगा. एंड आप आते हैं रोज सुबह यहाँ अपना व्यू एंजॉय करने के लिए? बिल्कुल. इस पे बैठ के, वहाँ बैठ के कॉफी का कप पिए तो आपको पता लगेगा इसकी हिफाजियत बहुत ज्यादा है. Really? जो वैसे नजर आती है. राइट. अमेजिंग. तो व्हाट हैव यू नेम्ड दिस चेयर? इस चेयर का नाम क्या रखा है जो बिल्कुल ही हवा में अल्लाह तवक्कल ही चल रही है? इसीलिए इसको कुछ लोग आयतुल कुर्सी कहते हैं. आयतुल कुर्सी, व्हाट अ नाइस नेम. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच आयत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड सीइंग दिस. आपका बहुत शुक्रिया, आप आई यहाँ पे, हमारे लिए एजाज की बात है. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू.